खबर रीवा जिले से है, जहां संजय गांधी अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को इंसुलेटर मशीन में नष्ट करने की बजाय अस्पताल परिसर के पीछे ही फेंक दिया जाता है। ये मेडिकल वेस्ट काफी खतरनाक है। बावजूद इसके इस वेस्ट को नष्ट करने की बजाय ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है, जो आवारा जानवरों का निवाला बनने के साथ ही कई तरह की बीमारियों को भी दावत दे रहे हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण कई तरह के संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल यार्ड में मेडिकल वेस्ट फेंकने के लिए एक मैदान है। कई सालों से इंसुलेटर की व्यवस्था थी, जिसमें मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के साथ ही अस्पताल की गंदगी को खत्म कर दिया जाता था, लेकिन किसी वजह से अब इसे बंद कर दिया गया। अस्पताल में बने डंपिंग यार्ड में तो मेडिकल वेस्ट का अंबार लगा हुआ है, मगर अधिकारियों की लापरवाही के चलते अस्पताल परिसर और डंपिंग यार्ड के बाहर भी मेडिकल वेस्ट फैला हुआ है, जो काफी खतरनाक है और इससे कई तरह के संक्रमण फैलने का भी खतरा है। इसी मेडिकल वेस्ट को आवारा जानवर अपना निवाला बनाते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को दावत देते हैं। अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को इंसुलेटर के माध्यम से नष्ट करना चाहिए। इसके बावजूद अस्पताल परिसर के पास ही खुले मैदान में कचरे को फेंक दिया जाता है, जिसके चलते अस्पताल खुद ही बीमारी फैला रहा है, क्योंकि ये मेडिकल वेस्ट काफी खतरनाक होते हैं। इनमें कोरोना की जांच में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां भी शामिल हैं, जो काफी खतरनाक हैं। इन्हें नष्ट करने की बजाय खुले में फेंकना कितना हानिकारक हो सकता है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, इनसे बचने के उपाय बता रही है, वहीं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इस तरह से मेडिकल वेस्ट का फेंका जाना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, जिसको देखते हुए भी अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार अनजान बने हुए हैं। कभी कभी इन मेडिकल वेस्ट को मैदान में आग लगाकर जलाया जाता है, जो काफी हानिकारक है, क्योंकि इसका धुआं अस्पताल के वार्डों तक भी पहुंच जाता है, जो वहां भर्ती मरीजों के लिए काफी हानिकारक है। परिसर में चारों तरफ फैली गंदगी और मेडिकल वेस्ट का लगा ढेर अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम की लापरवाही को उजागर करता है। बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री को इंसुलेटर मशीन में डालकर नष्ट करने का प्रावधान है, लेकिन लंबे समय से नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां पर मेडिकल वेस्ट फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध व कीटाणुओं से बीमारी फैल रही है। ऐसे में बीमारियों से निजात दिलाने वाला अस्पताल खुद बीमारी फैला रहा है। खुले मैदान में पड़े इस मेडिकल वेस्ट को रोजाना आवारा जानवर उसको अपना निवाला बना रहे हैं, जो उनके लिए भी जानलेवा है, साथ ही ये दूसरों को भी बीमारियां फैला सकते हैं। उसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि जहां पर ये मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है वहीं पर डॉक्टर कॉलोनी है और डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद भी इसको देखकर सब अनजान बने हुए हैं और ये मेडिकल वेस्ट बीमारियां फैला रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन भले ही चाहे जो दलील दे, लेकिन वीडियो में दिख रहे ये दृश्य अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। मेडिकल जो वेस्ट है हॉस्पिटल में, है ना, तो ये जो कौन सी कंपनी काम कर रही है, व्यवस्था है, कहाँ जाता है, क्या होता है इसका? जो हमारे यहाँ पे मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट जितना निकलता है संजय गांधी हॉस्पिटल से, उसको ले जाने के लिए इंडो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो सतना की है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो वो यहाँ से सारे वार्ड से जब कचरा कलेक्ट हो गया, इनके कलेक्शन सेंटर बनाए नीचे, उसमें कलेक्शन सेंटर में ले जाके वहाँ से फिर पूरा जितना बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको वो अपने सतना में जो उनके वहाँ पे वेस्ट में मैनेज करने के लिए जहाँ पे उनका वो प्लांट लगा हुआ है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये जो अगर नालियों में जाए तो इससे क्या साइड इफेक्ट होगा, लोगों को जीवन में क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, इससे समस्या क्या सामने आएगी? देखो, नाली में जाने से दो तरह की समस्याएं आ सकती हैं। एक तो क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो नालियों को जाम कर सकता है, दूसरी अगर कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है या ब्लड जा रहा है साथ में तो उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, आम पब्लिक को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि वो जो हमारा वेस्ट है जितना जो जाता है वो कहीं ना कहीं किसी नदी में जाके और कहीं तालाबों में जाके उसको पानी डिस्पोज होता है कई जगह, तो वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट और वो सब जगह लगे हुए, फिर भी कई जगह ऐसा हो सकता है कि खतरा सिर्फ इन्फेक्शन का और उन चीज़ों का हो सकता है। देखा जाए संजय गांधी अस्पताल जो मेडिकल वेस्ट जो निकलता है नालियों में जाता है, नालियों द्वारा आगे बढ़ता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए? मतलब जो निकल रहा है नालियों में जा रहा है, तो क्या मानते हो उसे, कितनी बड़ी लापरवाही है? नालियों में तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ से वेस्ट जाता होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें यूज नहीं होती हैं वो पड़ी रहती हैं, वो चली गई हों, पर ऐसा होता नहीं कि हमारे यहाँ से नालियों में जाता है, क्योंकि नालियों में जाने से पहले हर जगह बायोमेडिकल वेस्ट के
जो पॉइंट्स बने हुए हैं सारा वेस्ट वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। हर वार्ड में पॉइंट बने हुए हैं, सारी नर्सिंग स्टाफ और जितने कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उन डब्बों में हर जगह जो कलर कोडेड है उसमें उस जगह निस्तारित करते हैं और वहाँ से इकट्ठा होकर जाता है।